नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंह है और आप देख रहे हैं ट्रिकी आर्यन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, लेकिन आज की जो वीडियो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल की प्राइवेसी के बारे में। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फोल्डर, हमारे मोबाइल में एक ऐसा फोल्डर सबके फ़ोन में होता है, या हम यूँ कहें तो हर एक व्यक्ति के फ़ोन में एक कुछ ऐसी फ़ोटो, कुछ ऐसे वीडियो या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि उस जो चीज़ें हैं उनको कोई मतलब देख ना पाए। तो उसके लिए हम ऐप लॉक या ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रयोग करके उन जो फोल्डर होते हैं उनको हाइड कर लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल मैनेजर में आप बिना किसी एप्लीकेशन के जो फाइल मैनेजर है उसमें जो भी फोल्डर हैं, जो भी वीडियो हैं, आप उनको हाइड कर पाएंगे, लेकिन उसमें आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए फाइल में जाना है, फाइल मैनेजर में, यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपको जो भी फोल्डर आपको जो हाइड करना है, सपोज कीजिए कि मुझे जो है, मान लीजिए मैं अपना जो ये फोल्डर है मेरा, इसको मैंने हाइड करना है, इसको जो एजेड रिकॉर्डर का है, तो इसको मैंने यहाँ से क्लिक करके यहाँ थ्री डॉट में जाने के बाद मैंने इसको रीनेम करना है। ठीक है, रीनेम करना कैसे है, ये जितना है इसके पहले, सिर्फ इसका जितना है इसके पहले आपको सिर्फ डॉट लगाना है। ठीक है, डॉट, देखिए डॉट हो गया, और डॉट लगाने के बाद देखो इसको यहाँ पे ओके कर देना। जैसे ही आप इसको यहाँ से ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद आपको जो फोल्डर आ रहा था वो यहाँ से आपको हाइड हो जाएगा और उसको कोई भी देख नहीं पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि हम इसको हाइड तो कर लिया, लेकिन हम इसको देखें कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बैक करना है। बैक करने के बाद में आपको जो फाइल मैनेजर की जो सेटिंग होती है, मेरा नोकिया का फ़ोन है तो यहाँ पर आ रही है, आपका हो सकता है कि थोड़ी सी अलग तरीके से है, तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको ये देखिए शो हिडन फाइल्स, यहाँ पर जाएंगे आप तो शो हिडन फाइल्स को आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद में आपको देखना है, खोलना है, और देखिए जो मैंने हाइड करा हुआ था डॉट लगा के, ये यहाँ पे जो अनहाइड हो गया है। या इसके बाद अब इसको आप यूँ कहें तो इसको अब हम इसको अनहाइड कैसे करें, तो यहाँ पे आप जाएंगे, इसको फिर से रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के बाद में आपका जो जिस नाम से होगा तो उसको हटा के इसको फिर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको एजेड फोन रिकॉर्ड यहाँ पे शो ऑफ होने लगा। ठीक है, तो ये जो अब जो है ट्रिक नंबर टू की बात करने वाले, ये तो था किसी फोल्डर को हाइड करने के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो हो, या हो सकता है कि एक कोई फोटो हो, उसको हम कैसे मतलब हाइड तो नहीं होगी, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी। मैं कोई भी एक जैसे एग्जिट, इसमें मैंने एक फ़ोटो रख रखी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये फ़ोटो है। ठीक है, इस फोटो को मैंने क्या करना है, इसको मैंने किसी भी व्यक्ति इसको कोई एक्सेस ना कर पाए, इसलिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करूँगा। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आप ये यहाँ से करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे JPG लास्ट में लिखा रहा है, डॉट के बाद JPG, तो मैंने क्या करना है, JPG को हटाना है। ठीक है, JPG को हटा के मैंने कुछ भी कर दिया, मान लीजिए मैंने GPG कर दिया। ठीक है, GPG कर दिया, इसके बाद मैंने ओके कर देना। जैसे ही मैंने इसको रीनेम करना है, ये जो फाइल है ये एक्सेसबल, ये देखिए ये फाइल एक्सेस, कोई भी व्यक्ति इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इस फाइल को एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए या आपको फिर इसी जो ऑप्शन है इसमें जाना है, इसके बाद रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद में फिर इसमें क्या करना है, इसको जो जैसा पहला फॉर्मेट था JPG, मैंने इसको JPG कर देना। जैसे JPG करेंगे, इसको रीनेम करेंगे, रीनेम करने के बाद ये फ़ोटो आपको सामने आपके शो ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो है, जो मैंने ये ट्रिक बताई, आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और बस मेरी आपसे और कोई गुजारिश नहीं है, तब तक के लिए मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।